फाइनली दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम के बाद किसी फ़ोन को अनबॉक्स करने का मौका मिल रहा है। हालांकि मैंने इस पेस्ट करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो और दो फोटोज डाली थी, वहां पूछा था आपसे कि गेस करके बताओ कि ये कौन सा मोबाइल है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये मेरी मोबाइल की अगर देखा जाए प्रॉपर तो ये पहली अनबॉक्सिंग होगी। पता नहीं ये अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगेगी, क्योंकि इस मोबाइल को मैंने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया है। पर्सनल यूज़ का मतलब दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे हैं और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर ब्लॉटवेयर ऐप्स आते हैं, बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी अनबॉक्सिंग में इसमें कुछ खास है नहीं, और काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखता था तो लगता था कि बॉक्स यार काफ़ी बड़ा होगा, मोटा होगा, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला है। अगर आप यहाँ मेरा वन प्लस सिक्स का बॉक्स देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटा था, जस्ट इसका डबल है, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों मोटोरोला G30, आपने इसकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी, अच्छे अच्छे रिव्यू भी देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा। मैं आपके तरीके से आपको पूरा बताऊँगा प्रॉपर क्या आपको इस मोबाइल को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने भी इस मोबाइल को ख़रीदा है बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोज़ को देखने के बाद प्रॉपर मैंने डिसीजन लिया, तब जाके कहीं इस फ़ोन को मैंने बाय किया है। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इस फ़ोन के साथ, अप टू डेट मैं आपको सारा पूरा डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, कुछ इसके सैंपल शॉट्स वगैरह दिखाऊंगा, बाकी इसकी बहुत सारी इसकी वीडियोज़ बनाऊंगा। वीडियोज़ अगर थोड़ी सी पसंद आएगी तो इस वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे लाल रंग का चैनल का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल टेक यूट्यूब। दोस्तों जानकारी वही है जो सही है, चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के ऊपर में सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है ये मोबाइल, उसके बाद पेपर वर्क, उसके बाद यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग केबल, उसके बाद यहाँ चार्जर। मैंने दोस्तों डब्बे का अनबॉक्सिंग कर दिया, आई थिंक डब्बा उतना बढ़िया से मैंने अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया है, तो इसलिए डायरेक्ट वीडियो में चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिली हैं मुझे। सबसे पहला तो ये मोबाइल, और मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ मेंशन कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये है इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, उसके बाद ये टर्बो चार्जर है, आई थिंक पता है कितने वाट का है, 20 वाट का होगा ही। उसके बाद यहाँ पर है USB केबल टाइप सी वाली, ठीक है, और लास्ट नॉट द लीस्ट यहाँ पर है थोड़ा सा सिम इजेक्टर पिन। चलिए अनबॉक्सिंग तो हो गई, चलिए जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको इसके बारे में पूरा स्पष्ट वगैरह बता देता हूँ। हालांकि आपने YouTube पर मुझसे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देख ली होंगी, फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बॉक्स के अंदर में और कुछ नहीं है। अब आते हैं मोबाइल के ऊपर, तो ये मोबाइल है और डार्क पर्पल कलर पर मैंने इसको परचेस किया है, बाकी सारे इसमें पोर्ट्स वगैरह हैं, और नीचे है USB टाइप सी, यहाँ स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन, उसके बाद यहाँ पर है 3.5mm जैक, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर ही नॉइस कैंसिलेशन भी है। केस की बात की जाए तो ये कुछ ऐसा आपको वाइट लग रहा है, बट नहीं ये वाइट नहीं है, ये हल्का सा ब्लूइश टोन वाला एक कवर है, TPU टाइप, अच्छा है। यहाँ पर ये आई थिंक आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होगी, कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या गलतियाँ उससे हो रही है। आई थिंक ये मैट फिनिश है मे बी, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, और क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है। चलिए मैं इसको इसी में डाल देता हूँ, फिलहाल ना तो मेरे पास सिम वगैरह कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी होगी, और इसको ऑन करते हैं, ये इसको ऑन हो गया, हल्का सा टच होता ही ऑन हो गया। चलिए अभी इसका सेटअप वगैरह कैसे करना है मैं जल्दी से सेटअप करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ डिटेल और बताऊँगा। एक चीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा,
हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं लगे। इसके अंदर में बैक कवर तो दिया है बट स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन या जो बोलते हैं ना स्क्रीन गार्ड वगैरह इसके अंदर में नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा, वो इसलिए क्योंकि मैं एज ए यूट्यूबर तो हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ बट पर्सनल यूज़ के लिए विदाउट इसके टेम्पर्ड ग्लास के इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि उनको क्लियर होती है, उनको वो पसंद नहीं आती है बट मुझे नहीं अच्छा लगा। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये अभी से ही इस पे दाग वाग पड़ने लगे हैं। मेरे लिए पर्सनली मुझे तो मोबाइल के ऊपर प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। चलिए खैर वो तो बात की बात है कि मैं इसको लगवा दूंगा, 40 रुपये में लग जाएगा। ओवरऑल कैसा ये मोबाइल फ़ोन है फिलहाल, अभी आपने अनबॉक्सिंग देखी और कुछ इसके पिक्चर्स वगैरह आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। फिलहाल आपको सैंपल शॉट दिखाता हूँ, यहीं पर आपको पहली फ़ोटोज़ जो मोटोरोला की वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहली जो फ़ोटो होगी फाइटिंग फोटो बहुत ही मस्त आई है, ठीक है। अभी नया मोबाइल है तो मज़ा तो आ ही रहा है। ये मैंने कुछ फोटोज़ ही खींची है तीन। आई थिंक नया नया मोबाइल है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। बाकी इसका आपको टोटल रिव्यू मैं आपको बताऊंगा, क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, 11,000 रुपये की कीमत में क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, सब कुछ डिटेल मैं आपको बताऊँगा। इसलिए वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और वीडियोस के एंड स्क्रीन में आपको इसके अगले पार्ट्स वगैरह मिलते जाएंगे। बाकी दोस्तों प्रॉपर डिटेल्स वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। उस वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ ये चैनल का सब्सक्राइब बटन है, बाकी इधर ये और भी वीडियोज़ है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।